कॉलेज बंक मार दिया या तो क्लास वर्क बंक मार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है संडे एंड हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर जो वसई में रहता है, तो वहाँ जाएंगे। और फिर उसने हमें कहा है कि एक बहुत ही अच्छा बीच है विरार में या वसई में, राजौड़ी बीच, वहाँ पे शैक्स भी है, बहुत अच्छे कैफेज भी हैं। सो हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी कि मैंने ये सब कुछ पहना हुआ है, सो बिकॉज वी आर गोइंग ऑन बाइक। यहाँ हमारे घर से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज वी हैव रीच, एंड वो रहा मेरा भाई। ये आ गया है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बस निकलेंगे। मैं भी वैसा ही कुछ पहन के आया। और कुछ नहीं, हम पहुंच चुके हैं और हम हमारा मुंह एकदम खराब है। Singing, way oh way oh oh, you look like a guy who could treat me right. Way oh way oh oh, why take a chance? Will you let me ride? Way oh way oh oh, I could be the best thing in your life. So guys, finally we have reached Rajouri Beach. And मेरे पीछे बीच है, मैं आपको दिखाता हूँ। बीच पे आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और गाइस यहाँ आने के टाइम में एकदम ऐसा लग रहा था कि हम गोवा में हैं, वहाँ के व्यूज हमें सब रोड्स हैं बहुत अमेजिंग है। सुपर। यस। एंड बीच भी बहुत प्लेजेंट है, वेदर एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे साथ दो जन और आए हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कॉल देम। हेलो, रीयूनाइटेड मिल गया ये। हाँ। ब्लॉग वन कंटिन्यू। यही लड़का था जो ब्लॉग वन में बोल रहा था कि मैं रियलिटी अच्छा आ रहा है, लाइट भी, लाइटिंग भी परफेक्ट है। ऐसे लग रहा है हम गोवा में आ गए वापस। एग्जैक्टली, गोवा जैसे ही फील कर रहे हैं। गोवा ही लग रहा है। सो यू कैन सी गाइस, यहां पे एक मिक्सर है, यहां पे स्टैंड इज ब्लैक एंड व्हाइट। एंड यू कैन सी कि यहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, एटीवी राइड कर सकते हैं, एंड देन कैमल राइडिंग है। वी विल सी हम पहले क्या करेंगे, पर हम सबसे पहले तो बस जो वेदर इतना अमेजिंग है, ऊपर से बाहर आना तो अच्छा है। वो तो है, और आशु रोज आता है। रोज नहीं आता, पर आता हूं कभी-कभी, ओकेजनली आता रहता है। अभी कॉलेज बंक मार दिया या तो क्लास वर्क बंक मार। कट करो, कट करो। हेलो गाइस, आई एम अंडर द वाटर। इट इज सो मच रेनिंग हियर, इट इज सो मच। कहां जा रहे हो आप? स्पीड बोट है। यहां पे बहुत सारे शैक्स भी हैं। शैक्स आपको वैसे मिलते नहीं है, जू पे जाओ आप या वर्सोवा पे जाओ, वहां पे शैक्स नहीं है, रेस्टोरेंट। अरे यार, विरार क्या है? क्या विरार विरार लग नहीं रहा है मुझे, तो अलीबाग लग रहा है, सेम अलीबाग वाली फीलिंग है मुझे। अलीबाग, हाँ, रास्ते भी आए तो देखा जो बाइक राइड से आ रहा था, ऐसा लग रहा था अलीबाग का अलीबाग का रास्ता है। हाँ, एकदम सेम। अनन्या गणेश को मिस कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं।
अबे साले बिल्कुल नहीं, जो लोग वो मिस कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, उसको भी नहीं, उसको जो नहीं आया वो उसकी प्रॉब्लम क्या? हाँ ऐसा तुम लोग का कहना है? ऐसा ही है मेरा कहना, मैं स्ट्रेट एकदम बोल रहा हूँ, जो नहीं आया उसकी प्रॉब्लम है। और हमें ये बोट में जाना था पर सनसेट ऑलरेडी हो गया तो क्या फ़ायदा जाके, इसमें वेटिंग था पर हो नहीं पाया। बट आपको अगर आना है यहाँ पे तो आप ये बोट राइड कर सकते हो, बहुत ऑसम है, 150 रुपीज़ पर हेड है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हाँ ठंड लग रही है फिलहाल तो, वो तो है ठंड हो रही है तो चाय और शायद वड़ा पाव बनता है वड़ा पाव पे। हाँ इधर तो मिलेगा ही वड़ा पाव, तो फेमस है तो थोड़ा सा एक तो एकदम रूरल खाना साइड में है तो वड़ा पाव तो इज मस्ट हियर। आ जाओ ये साइड से हम वीडियो लेते हैं। और पानी बहुत क्लीन है, मेन मेन बहुत क्लीन है, यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है तो अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे गंदगी करने वाले लोग नहीं है लगता है यहाँ पे, पता नहीं जो भी है मेंटेन अच्छा किया है। A few moments later. Yes, and we are going to a cafe. Shack. It's a shack. Let's see कैसा है वो। बट यहाँ का रोड इज एकदम हॉरिबल, हाँ बनाया नहीं है कुछ नहीं है। करेक्ट। एंड गाइज वी हैव कम एट क्षितिज ब्रोस कैफे। फाइव क्षितिज फाइव। सो गाइज दिस इज अ शैक जहाँ पे आप बैठ सकते हो इवनिंग में। अभी सनसेट हुआ है तो ये थोड़ा लिट लग रहा है। और ये है उनका रेस्ट्रो क्षितिज फाइव ब्रोस कैफे। तो यहाँ पे सब स्नैक्स मिलता है, इवनिंग स्नैक्स। और यहाँ पे है उसका लाउंज एरिया जो आप बाहर बैठ सकते हैं आउटडोर में। बहुत सही बनाया है। एंड गाइस दीज आर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शैक्स हैं। तो भाई जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं मेरे घर पे। गाइस क्या मैं आपको किचन का व्यू दिखाऊं या नहीं? गाइस मेरी मम्मी को आप देखना चाहते हैं कि फेस रिवील करूं कि नहीं? अरे सुनो गाइस ये देखिए मेरे पापा। ये मेरी मम्मी।